हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल MLM राशिद में, और मैं दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त है, जबरदस्त है और शानदार है बिंदास से। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मेरा जो चैनल है क्रिप्टो करेंसी प्लस डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, जहां पर मैं इन्फॉर्मेशन और नॉलेज शेयर करने की कोशिश करता हूं ताकि आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारी चीजों को सीख पाए, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल पाए, आप लोगों को नॉलेज मिल पाए, ताकि आप क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल मार्केटिंग में एक अच्छी खासी अर्निंग कर सके। क्योंकि देखिए, वो बोलते हैं ना कि जो काम अगर मैं कर पा रहा हूं तभी मैं बता पा रहा हूं, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो शायद नहीं बता पा रहा होता। तो आज जो वीडियो बनाने का थोड़ा सा मकसद है वो ये है कि आप लोगों को कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि आप लोग आने वाले टाइम में या अभी जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें प्रॉफिट बुक कर सके। देखिए दोस्तों, हर कोई इंसान चाहता है कि ट्रेडिंग में क्रिप्टो करेंसी के अंदर 2x, 5x या 10x प्रॉफिट हो। हर कोई इंसान चाहता है 2x, 5x या 10x प्रॉफिट हो। यानी कि मैंने 1,000 रुपए लगाए तो 1,000 रुपए मेरे 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए बन जाए। हर इंसान चाहता है दोस्तों, मैं भी चाहता हूं, आप भी चाहते हैं, एक फ्रेशर भी चाहता है, एक बिगिनर्स भी चाहता है, सब हर कोई इंसान चाहता है। लेकिन देखिए दोस्तों, एक चीज समझिए आप, एक इंजीनियर जब इंजीनियर बनता है तो कम से कम 4-5 साल वो पढ़ाई करता है उसकी। इंजीनियर जब इंजीनियर बनता है तो इंजीनियर बनने से पहले इंजीनियरिंग की 4-5 साल डिग्री करता है, पढ़ाई करता है 4-5 साल। एक एमबीबीएस डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर बनने से पहले कम से कम 4-5 साल, 7 साल की प्रॉपर एजुकेशन पढ़ाई करते हैं। मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं, उसके माध्यम से थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। दोस्तों, हमारा हॉस्पिटल है जहां से मैं बिलोंग करता हूं, गांव से। तो जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक दिन रात को लगभग 2 बजे के समथिंग हॉस्पिटल का दरवाजा किसी ने खटखटाया और उन्होंने बोला कि सर घर पर चलना है, इंजेक्शन लगा के आना है। तो मैंने मना कर दिया क्योंकि एक्चुअली मैं हॉस्पिटल में अकेला था, उस दिन मेरे अंकल कहीं बाहर गए हुए थे मेडिसिन से रिलेटेड। तो मैंने उनको मना कर दिया, मैंने उनको बोला कि सर मैं अकेला हूं और मैं सॉरी नहीं जा सकता, आप या तो यहां पर ले आइए या किसी अदर डॉक्टर को आप बुला लीजिए। तो वो मेरे अंकल के फ्रेंड थे एक्चुअली, तो उन्होंने अंकल को कॉल कर दिया और अंकल को कॉल किया तो अंकल की कॉल मेरे पास आ गई। अंकल ने मुझे बोला कि राशिद कोई दिक्कत नहीं, हॉस्पिटल बाहर से बंद करके और चले जाओ और इनके जो काम करो, जो भी दिक्कत परेशानी उनको चेक कराए एक बार। तो दोस्तों, मैं अपना सारा सामान लेके हॉस्पिटल को बाहर से ताला लगाकर मैं चला गया उनके साथ। और जब मैं जा रहा था तो वो बाइक से मुझे लेने आए थे, रात के 2 बजे की बात है दोस्तों ये। और हॉस्पिटल लाइन में आपको पता है कि रात दिन रात एक होती है, वहां पर कोई भी सोना वगैरह नहीं होता क्योंकि कभी भी उठना पड़ जाता, कभी भी पेशेंट आ जाते, सारी चीजें होती है। तो वो जब मुझे ले जा रहे थे, बाइक पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक चीज बोली कि सर मैं भी डॉक्टर हूं और मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूं। दोस्तों, उन्होंने एक बात बोली मुझे कि मैं भी डॉक्टर हूं और एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूं। दोस्तों, मेरे हाथ कांपने लगे इस तरीके से, मैं पीछे बैठा था, मैं घबराना शुरू हो गया। मैंने कहा यार, एमबीबीएस डॉक्टर मुझे लेने आया है और मैं उसको मना कर रहा था, और एमबीबीएस डॉक्टर के सामने मैं इंजेक्शन कैसे लगा पाऊंगा। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया। और मैंने बोला उनको, सर आप एमबीबीएस डॉक्टर और मुझे बुलाना है? कहते हाँ, मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूं, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूं, 500 साल मेरा चल रहा है लगभग की प्रैक्टिस का। तो हम घर पहुंचे और घर पहुंचने के बाद उनको एक्चुअली इंजेक्शन लगना था, तो मैंने इंजेक्शन को भरा और भरने के बाद मैंने उनके हाथ में पकड़ाने लगा और मेरा हाथ इस तरीके से कांप रहे थे। और मैंने उनके हाथ में इंजेक्शन पकड़ाने लगा तो बोले, सर ये आप क्या कर रहे हैं? कहते भाई, इंजेक्शन आपने लगाना। मैंने कहा, सर मेरी क्या हिम्मत, आप एमबीबीएस डॉक्टर है और आपके सामने मेरी हिम्मत कि मैं इंजेक्शन लगाऊं? कहते भाई, मैं एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूं, डॉक्टर नहीं बनाऊं। उन्होंने एक बात बोली कि एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं डॉक्टर नहीं बनाऊं। 3-5 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होती है सर, वहां पे रट्टा लगाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, आपको प्रैक्टिस नहीं कराई जाती। उन्होंने ये बात बोली मुझे कि 3 साल तक सर हमारी जो है रेगुलर पढ़ाई चलती है, कि प्रैक्टिस जो है हमारी अगले 102 साल बाद प्रैक्टिस होती है, कि अभी हमारी सिर्फ एक थ्योरिकल पढ़ाई चल रही है, अभी हमने फिजिकल यानी प्रैक्टिकल हमने नहीं किया। तो इंजेक्शन मैं नहीं लगा सर, इंजेक्शन आपको ही लगाना पड़ेगा। तो तब एक मुझे हिम्मत आई, एक कॉन्फिडेंस मेरा अप हुआ, तब मैंने जाकर इंजेक्शन लगाया। कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों, एक एमबीबीएस बनने के लिए भी 3-5 साल लगते हैं और 3-5 साल बाद कहीं हमें इंजेक्शन लगाने की अनुमति मिलती है दोस्तों। यानी कि अब हम क्रिप्टो में क्या चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी में हमने एंट्री ली, डिजिटल मार्केटिंग में हमने एंट्री ली और हम चाहते हैं कि आते ही हमें 50,000, 1,00,000 रुपए या क्रिप्टो करेंसी की बात करो तो 2x, 5x, 10x का प्रॉफिट होने लगे, जो कि पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पॉसिबल है लेकिन कब, जब आप सीख कर करो तो पॉसिबल है, अगर आप बिना सीखे कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग से आज मैं लाखों कमा रहा हूं, आज हजारों लाखों लोग ऐसे जो लाखों रुपए की अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन कब, सीखने के बाद। अगर आज मैं डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत करूं, मैं सोचूं कि पहले दिन से मैं लाखों रुपए कमा लूंगा तो पॉसिबल नहीं है।
कम से कम 6 महीने 1 साल 2 साल मुझे रेगुलर लगेगा डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए, करने के लिए, तब जाके मैं लाखों रुपए की अर्निंग तक पहुंचूंगा। इसी तरीके से क्रिप्टो मार्केट है दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट में हम पहले दिन ही आके अमीर नहीं बन सकते, ये कोई अलादीन का चिराग नहीं, घिसा और लोजी जिन निकल गया अल्ले भाई करोड़ों रुपए ले ले तू, तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। पॉसिबल कब है, जब इस क्रिप्टो करेंसी के प्रॉपर नॉलेज आप लोग, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो, इसको सीख कर करो, आप जो नॉलेज देने वाले लोग हैं उनको रेगुलर उनके टच में रहो, उनसे सीखो, तब जाके पॉसिबल है। क्योंकि 2x 5x 10x का प्रॉफिट बनाने के लिए आप जिस क्वाइन में ट्रेड कर रहे हो उस क्वाइन की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि इसका पास्ट क्या था, इसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है। किसी भी चीज का फ्यूचर जानना हो तो उसका पास्ट और प्रेजेंट जान लीजिए, किसी भी चीज का फ्यूचर जानना हो उसका पास्ट और प्रेजेंट जान लीजिए, फ्यूचर पता चल जाएगा। तो जिस क्वाइन में आप ट्रेड करना चाह रहे हो दोस्तों उसका पास्ट देखिए, इसका इसका हाईएस्ट प्राइस कितना गया था, लो प्राइस कितना गया था, इवेंट्स पर कितना पंप लेता है ये, इवेंट्स पर कितना डंप होता है, मार्केट जाने पर कितना डंप होता है, मार्केट अप होने पर कितना पंप लेता है, उस क्वाइन की आप प्रॉपर नॉलेज ले लीजिए, एक मास्टरी कर लीजिए, तब जाके आप उस क्वाइन में 2x 5x 10x भी प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है कि जब डाउन होता तो ये कितना डाउन जाता है और जब अप होता तो कितना अप लेके कितना पंप ये लेता है। कल मेरे साथ एक दोस्त बैठे थे तो उन्होंने 15,000 रुपए से ट्रेडिंग में काम स्टार्ट किया था और 2 क्वाइन में ट्रेड करते हैं और 7 दिन के अंदर उन्होंने 15,000 रुपए को 22,000 में कन्वर्ट किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं इन 2 क्वाइन के लगभग 3 महीने से हिस्ट्री चेक कर रहा था, इनको रेगुलर स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था और मैंने ये देखा कि ये डाउन कितना जाता है, अप कितना जाता है, तो मैंने स्टडी करने के बाद इस पर ट्रेडिंग करना शुरू की और 1 हफ्ते के अंदर 15,000 को 22,000 में कन्वर्ट किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन क्वाइंस की स्टडी कर ली थी, उन क्वाइंस की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। तो अगर हम भी चाहते हैं कि 2x 5x 10x प्रॉफिट हो और पॉसिबल है क्रिप्टो करेंसी के अंदर दोस्तों, पॉसिबल है एक एक दिन के अंदर अकाउंट डबल होने की, लेकिन जब है पॉसिबल जब हमें उस चीज की नॉलेज हो। इसलिए मेरा आपसे एक सजेशन है कि रेगुलर नोटिफिकेशन को ऑन करके रखे ताकि वीडियो आपको जब भी आए उसको आप देखे, क्योंकि मैंने यहां पर देखा है एजुकेशनल वीडियोस को लोग देखना पसंद नहीं करते, एजुकेशनल वीडियो को लोग देखना पसंद नहीं करते जबकि सीखेंगे इसी वीडियो से। क्रिप्टो करेंसी की वीडियो हम देखे जा रहे हैं, ये क्वाइन बढ़ रहा है, ये क्वाइन घट रहा है, ये क्वाइन बढ़ रहा है, ये क्वाइन घट रहा है, इससे फायदा क्या दोस्तों? जब तक हम फंडामेंटल समझेंगे नहीं, एजुकेशनल लेंगे ही नहीं कि ये बढ़ता कब है, घटता कब है, किस तरीके से बढ़ रहा है, किस तरीके से घट रहा है, तो सीखेंगे क्या? बस वो वीडियो हम देख लेते हैं कि ये जो क्वाइन है जी आज लॉन्च हुआ है कि इसका जो प्रिडिक्शन है ये 124 रुपए तक जाएगा और डाउन 110 रुपए तक आएगा, इससे क्या फायदा हो रहा है, ये तो बता ही रहे सारे यूट्यूबर्स। लेकिन दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बार बार ताकि जब तक आप एजुकेशनल वीडियो नहीं देखेंगे और उनको समझ के सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप क्रिप्टो करेंसी में एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। यानी कि हम वीडियो देखते हैं और जैसे यूट्यूबर बताते हैं हम वैसे कर लेते हैं, हम वीडियो देखते हैं जैसे यूट्यूबर बताते हैं हम वैसे कर लेते हैं, तो यूट्यूबर के हिसाब से वो प्रॉफिट भी हो जाता है, कभी कभी लॉस भी हो जाता है, लेकिन आप सीख तो नहीं रहे ना। अगर यूट्यूब पे वीडियो ना आए 2 दिन तक 5 दिन तक फिर क्या करेंगे भाई? मान के चलिए किसी यूट्यूबर के घर में शादी है, वो वीडियो ना दे पाए जिसकी वीडियो आप देखते थे, चाहे मैं ही हूं, अगर मेरी वीडियो आप देखते हैं, मेरी वीडियो देख के आप सीख रहे हैं, मेरी वीडियो देख के आप ट्रेड कर रहे हैं, मेरे घर में शादी हूं और 2 दिन तक वीडियो ना दे पाऊं, भाई क्या करोगे? इसलिए बार बार कहता हूं कि एजुकेशनल वीडियोस को ज्यादा देखो, फंडामेंटल चार्ट को समझने की कोशिश करो, एनालाइज करने की समझ कोशिश करो, क्वाइंस को स्टडी करने की कोशिश करो, तब जाकर 2x 5x 10x प्रॉफिट बनाना बहुत आसान है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहता था वो मिला होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।